बिल्कुल. अब पर्सनालिटी की बात हो रही है तो आई हैव टू आस्क यू, व्हाट इज द वन चेंज दैट यू सीन इन योर पर्सनालिटी ओवर द इयर्स ऑफ होस्टिंग बिग बॉस? मैंने अपना में चेंज नहीं देखा है, बिल्कुल ही नहीं देखा है, ना ही आपने भी देखा होगा. थोड़ा सा जो एक सही चीजें करता हूँ उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और जो गलत चीजें करता था उसको थोड़ा सा कम किया है. बस यही चेंज है, which is a very important change. It is a big change to make. काफी सारी मेहनत और काफी सारी sacrifices लगती हैं. Okay. Big Boss comes with the good, the bad, the ugly. How much does it actually affect you? Good and bad है, ugly कोई नहीं. But how much does it affect you when you're so involved in the show? Mentally, how much do you get involved? Yes, it does piss me off when I see people going limit के बाहर. And then उनको लिमिट के अंदर करने के लिए कभी कभी मुझे लिमिट के बाहर जाना पड़ता है. और क्योंकि आप लोग सिर्फ एक घंटा देखते हो और फिर हमको बहुत सारी चीज़ें काट वाट के डालनी पड़ती हैं, तो आपको घर के अंदर का एक्चुअल माहौल समझ में नहीं आता है कि किस बदतमीजी के लेवल और हद पार कर देते हैं लोग घर के अंदर. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सलमान ने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, बट हमें पता है कि वो किस लेवल तक पहुंच चुके थे इस घर के अंदर. और उस वक्त वी हैड टू इंटरफियर, आई हैड टू इंटरफियर एंड आई हैड टू स्टॉप दैट पर्सन और पीपल फ्रॉम क्रॉसिंग इवन मोर लिमिट्स एंड हदें. एंड आई एम श्योर इट डज अफेक्ट यू मेंटली, आई सीन इट. नॉट सो मच, दैट इज अफेक्टिंग देम. मैं घर के निकल जाता हूँ, मेरे और दूसरे प्रॉब्लम हैं जो मुझे अफेक्ट करते हैं. ओके, तो आर्टिकल्स आते हैं हर साल के बिग बॉस